हाँ मैं तो मान रहा हूं इस बात को कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर, सर्जरी के तौर पर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और मैं एक प्रगतिशील विचार का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं कहता हूं ये सब्जेक्ट इनके पास रहने दीजिए ना, ये सारा काम मैंने कर लिया तो फिर ये क्या करेंगे। इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो बहुत सीरियस सर्जरी है वो इनके पास छोड़ दीजिए, बाकी सारा ट्रीटमेंट करने का मैं वैज्ञानिक तौर पर तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन के साथ मैं सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। इनसे एक तो पूछ लो, इनके पास में सिर दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन है, माइग्रेन पेन का सॉल्यूशन है, थायराइड का सॉल्यूशन है, आरए फैक्टर का सॉल्यूशन है, हेपेटाइटिस का सॉल्यूशन है, फैटी लीवर का सॉल्यूशन है, इनके पास में गैस कब्ज की भी कोई परमानेंट दवाई है क्या कि जिससे कि एक बार खा ले व्यक्ति को कब्ज ना हो, उनको एसिडिटी ना हो, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस ना हो, क्या उनके पास में पेनक्रियाटाइटिस की दवाई है? पूछ तो लो आप, इनसे तो पूछो, सारे प्रश्न मुझसे ही पूछने में लगे आप अंजना जी, थोड़ा अपनी मिसाइल का मुख उनकी ओर भी तो करो, कुछ पूछ तो लो। ये जो बोल रहे हैं, ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले दो थप्पड़ मारने का फिर कुछ भी, इनका दो दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई अभी बात अब की करो ना, अब जो हम जिस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात तो करो नहीं। कोरोनिल से आपको क्यों आपत्ति है? कोरोनिल से तो करोड़ों लोगों की जान बची है, वो भी तो बताइए आप। दोनों पैराग्राफ शांति से पढ़िए। नंबर वन, जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर FIR लॉज हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं? और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए, ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। आप चुप बैठी है, डोंट टॉक, व्हेन आई एम टॉकिंग यू डोंट टॉक, कीप क्वाइट। आराम, आप मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने जो आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे, आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना। अरे खुजली की आपके पास कोई दवाई है क्या? और जब भी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए, अरे व्हाट नॉनसेंस आपका ये स्टेटमेंट, पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है, क्या बात कर रहे आदमी, आपने आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? आपने आयुर्वेद का कितना पढ़ाई किया है? अच्छा मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछता हूँ, कोरोना के कारण से शुगर बढ़ रहा है, कोरोना के कारण से BP बढ़ रहा है, कोरोना के कारण से ब्रेन स्ट्रोक होकर के, कार्डिक अरेस्ट होकर के लोग मर रहे हैं, कोरोना के कारण से लोगों को ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस हो रहा है, उसका इलाज भी तो बताइए ना। आप इलाज की बात कीजिए, आप झगड़ा करने के लिए आए कि कुछ संवाद करने के लिए आए? आज हमें संवाद के लिए बैठे हुए, अरे बयान तो वापस ले लिया, और क्या आप स्वामी रामदेव की जान लेना चाहते हो क्या?